जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। भक्तों, आप लोगों को हम बता दें कि अभी अभी देखो हम बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। बागेश्वर धाम में हमने देखा कि बागेश्वर धाम के महाराज जी जो अभी अभी देखो सन्यासी बाबा और बालाजी के दर्शन करने के लिए आज गए थे और माँ से सभी भक्तों से मिलते हुए आ रहे। आज कुछ बड़ा होने वाला है बागेश्वर धाम में। आप लोग बने रहे वीडियो में एंड तक और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आप लोगों को बता दें कि आज भगदड़ जैसा माहौल बन जाएगा, क्योंकि जब जब बागेश्वर धाम के महाराज जी सन्यासी बाबा और बालाजी लोग जाते हैं तब तब यहाँ पर भगदड़ जैसा देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर गुरु जी को घेर लेते हैं, गुरु जी का चरण स्पर्श करने के लिए भक्तों का एक धम से भगदड़ देखने को मिलता है, जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में लाइव कार्यक्रम की। कितने लोग यहाँ पर गुरुजी के, कोई गुरुजी को माला दे रहा है, कोई गुरुजी को केला दे रहा है और गुरुजी और भक्तों को अपने तरफ से उपहार में जो गुरुजी को भेंट दी जा रही है वो सभी भक्तों को गुरुजी देते जा रहे हैं और गुरुजी को कुछ भक्त माला भी पहना रहे हैं। आप लोग आगे का कार्यक्रम लाइव देखें कि किस तरह से यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल बनता है। आप लोग बने रहे वीडियो में एंड तक। देखें आप लोग यहाँ पर देखो गुरुजी ने इस टकले के ऊपर हाथ रख दिया। यह टकला कौन है देख सकते हो आप लोग, ये टकला कितना खुश हो रहा है और कितना चिड़चिड़ा रहा है, कितनी तेज़ी से चिल्ला रहा है। आप लोगों को हम बता दें कि देखो अब वो जगह आ चुकी है जहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल होने वाला है। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने देखा कि बागेश्वर धाम के महाराज जी आखिर है कौन। ये कोई भगवान थोड़ी है, वे कहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, हम एक मानव हैं। परंतु यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही होगी कि जब जब बागेश्वर धाम के महाराज निकलते हैं लोग पागल सा उनके अंदर रुझान हो रहा है। सब मोह माया छोड़कर गुरु जी के चरण में सब भक्त जाना चाहते हैं। आप लोगों ने यह माहौल देखा ही होगा। आप लोगों को हम आप बता दें कि आप लोग एक बार बागेश्वर धाम जरूर आना और महाराज जी के दर्शन करना। ऐसा भी यहां पर भक्तों का मानना है कि जो भक्त बागेश्वर धाम के दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो उनके चरण स्पर्श कर लेता है उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। अब आप लोग आगे का कार्यक्रम लाइव देखें कि किस तरह से यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल हो रहा है। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।
जय श्री राम, जय भगवान राम। आज सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, आप लोग गाड़ी से दूर हो जाएं, रास्ता बना ले, पूज गुरुदेव भगवान। कुछ ही देर में अन्नपूर्णा के सामने बड़ा राम दरबार हॉल बना हुआ है, वहाँ विराजमान होंगे। आपको दिव्य दर्शन, दिव्य दरबार और आशीर्वचन सभी को वहीं पर प्राप्त होंगे। आप सभी से निवेदन है, आप लोग वहाँ पहुंचिए, राम नाम का जाप कीजिए। जय श्री राम, जय भगवान। आप लोगों ने देखा कि कितने तेजी से बागेश्वर धाम में भगदड़ आप लोगों को देखने को मिली होगी। कितनी बुरी तरह से लोग कीक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी को डर तक नहीं लगता कि हम चिपल ना जाए, पर गुरुजी के दर्शन मात्र के लिए लोग चिपलन भी सह रहे हैं और उनको स्पष्ट करने के लिए लोग। आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? हमको तो लगता है कि बागेश्वर धाम को महाराज को ऐसे भीड़ में हो नहीं निकलना चाहिए। अब आप आगे का कार्यक्रम दिव्य दरबार लाइव देखें। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। कल दरबार हॉल में अंदर बैठेंगे, उन सभी को कल मिला जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नाटक करो, तुम पहुंच जाओ। हाँ। एक बार हम मैहर गए, बहुत पुरानी बात है, लंबी लाइन लगी थी, सीढ़ियां थी। तब मैहर जानते हो, वही सतना जिले में एक स्थान है शारदा माता। एक बार इन माता जी को ताली बजाओ जो सबको पानी पिला रहे हैं। ताली बजा कर धन्यवाद दो, बहुत अच्छा काम कर रहे। थैंक यू वेरी मच बेटा, सबको जल पिला रहे हैं, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन। थैंक यू, धन्यवाद। और ये टीम ले लेकर के पानी लेकर आ रहे हैं, इनको भी धन्यवाद। बच्चों को भी आशीर्वाद, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम मैहर गए, मिल गए हैं हम, देखो मिल गए भैया, बात कर लो, अंदर बुला लो, बात कर, आ जाओ आप अंदर। तो मैहर में एक माता जी लंबी लाइन लगी, एक माता जी वही 40-42 साल की। नीचे हम भी खड़े थे, हमें बताया गया सबने के 5-6 घंटा चढ़ने में लगेंगे, भीड़ ज्यादा है, 6 घंटे बाद नंबर आएगा तब आप पहुंच पाओगे, और 7 घंटे हो जाए तो ठीक है। एक माता जी, अब पता नहीं वो कहाँ की थी, उनने हमारे आंखों देखते उनने बढ़िया बाल दुपट्टा लिया, अंदर खोसा बाल का वो होता है रबर निकाली, उनने भौं बांधी, एक बार बाल ऐसे करे, हम पहचान गए। तो जैसे ही वे एक बार की तो हमने तुरंत कही हट जाओ, काली माता आ गई। महाराज जो आदमी हमें सींक डाल वे जगह नहीं देते, तो 15 मिनट में हम मंदिर पहुंच गए, हाथ पकड़ के, हमने उन्हें पहचाने, वे हमें भी नहीं पहचाना थी, लेकिन समझ गए कि इन्हें हमें देख लाओ, और हमने पकड़ो हाथ, हम कि बाबा माता जी यहाँ काली माता आए। अब 15 मिनट में ऊपर जब मंदिर पे पहुंच गए तो भी हाथ फटका के बोली अब तुम जाओ दर्शन करो, हम भी उन्हें बाल ठीक करियो, दर्शन कर भी चली गए। अरे हम कि जय हो भगवती माता, हमें पहले लगो सही में है आई माता, और जब उनने ऊपर हाथ फटकार के बोलो अब जाओ दर्शन करो हमारे, उन्होंने बढ़िया ऐसे बार बांधे फिर से तो पट्टा डालो जय माता जी। अरे हमने कही जा तो छल छंदा कर रही दरबार, कल प्रेसराज सरकार का तो दरबार लगना है, लेकिन तुम बाल हाल खोल के ना भेज सको, हम सो पकड़ ले, हम आए तो सिग्नल है और पर सीताराम बोलो, जय सियाराम, आओ सीताराम बोलो, साधु जी लाओ पेन कागज पानी जल चाय। तो महाराज जी आज अभी बैठो चाय पिवा, महाराज जी चाय पिवा। तो ऐसा होता है तो कल पर्चा वाला दरबार कम लगाएंगे, प्रेत बाधा वाला ज्यादा लगाएंगे, परसों फिर दरबार लगेगा। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। एक बात बोले, गंभीर बात ये है कि आराम की तलब है,
तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। सबसे बड़े पृथ्वी पर परमात्मा है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। और कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। कौन है कलयुग का राजा? हनुमान जी। अच्छा ऐसे समझो,